सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन के नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हरि को समझाना चाहता हूं। आइए वचन को देखते हैं। नीति वचन अध्याय 12 वचन 1 से। नीति वचन अध्याय 12 वचन 1 से आइए देखते हैं। जो शिक्षा पाने से प्रीति रखता है वह ज्ञान से प्रीति रखता है, परंतु जो डांट से बैर रखता वह पशु सरीखा है। भले मनुष्य से तो यहोवा प्रसन्न होता है, परंतु बुरी युक्ति गढ़ने वाले को वह दोषी ठहराता है। कोई मनुष्य दुष्टता के कारण स्थिर नहीं होता, परंतु धर्मियों की जड़ उखड़ने की नहीं। भली स्त्री अपने पति का मुकुट है, परंतु जो लज्जा के काम करती है वह मानो उसकी हड्डियों के सड़ने का कारण होती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहां परमेश्वर की वचन बता रही है। पवित्र शास्त्र बाइबल की वचन हमें बता रही है, कहता है कि जो शिक्षा पाने से प्रीति रखता है। जो कोई व्यक्ति शिक्षा को प्राप्त करने से, ज्ञान को प्राप्त करने से प्रीति रखता है, प्रेम करता है, परमेश्वर की शिक्षा को पाने के लिए जो उन शिक्षाओं से प्रेम रखता है, वह व्यक्ति परमेश्वर के ज्ञान से भी प्रेम रखता है। जो परमेश्वर की शिक्षा से प्रेम रखता वह परमेश्वर के ज्ञान से भी प्रेम रखता है, परंतु जो डांट से बैर रखता वह पशु सरीखा है। कहता है जो कोई परमेश्वर के डांट से बैर रखता है, जब परमेश्वर किसी व्यक्ति को डांटता है और मनुष्य उसके डांट से बैर रखता है, नफरत करता है, ऐसा व्यक्ति पशु के समान है। जैसे एक पशु है, जब वह नादानी करता, गलती करता है, जब उसे ताड़नाएं दिया जाता है, तो उस ताड़नाओं से वह बैर करता है। इसलिए वचन कहती है कि ऐसा व्यक्ति जो डांट से बैर रखता वह पशु सरीखा है। कहता है भले मनुष्य से तो यहोवा प्रसन्न होता है। जो कोई भला मनुष्य है, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को पाकर तृप्त होता है, उसकी शिक्षाओं से तृप्त होता है और उसकी आज्ञाओं को पाकर प्रसन्न होता है, वचन कहती है ऐसे भले मनुष्य से परमेश्वर खुश होता है, प्रसन्न होता है, परंतु बुरी युक्ति करने वालों को वह दोषी ठहराता है। जितने बुरी युक्तियां एक दूसरे के प्रति बुरी युक्तियां गढ़ते हैं, वचन कहती है ऐसे बुरी युक्ति करने वाला व्यक्ति जो होता है, परमेश्वर उसको दोषीदार ठहराता है, उस पर दोष लगाता है। कहता है भले मनुष्य से, तो वचन कह रही है कि भले मनुष्य से परमेश्वर प्रसन्न होता है, खुश होता है, लेकिन बुरी युक्ति वाले यानी बुरे मनुष्य के ऊपर परमेश्वर दोष लगाता है। कहता है कोई मनुष्य दुष्टता के कारण स्थिर नहीं रहता, क्योंकि जो मनुष्य दुष्टता का काम करता है, दुष्टता के मार्ग पे चलता है, वचन कहती है कि दुष्टता का काम करने वाला जो मनुष्य है वह स्थिर नहीं होता, वह परमेश्वर के सामने खड़ा नहीं होने पाता, क्योंकि वह परमेश्वर के सामने खड़े होने के लायक नहीं होता। परंतु वचन कहती है परंतु धर्मियों की जड़ उखड़ने की नहीं। कहता है जो धर्मी जन होते हैं उनकी जड़ कभी उखड़ने नहीं पाती, क्योंकि परमेश्वर उनके संपूर्ण जीवन को अपने आशीषों से ढांप कर रखता, उनके जड़ों को परमेश्वर अपने हाथ में ले लेता है, क्योंकि धर्मी जनों की जड़ जो है परमेश्वर के हाथ में होती है। धर्मी जनों का जो जीवन का स्रोत है परमेश्वर के हाथ में होता है। जैसे कि वचन कहती है कि भली स्त्री अपने पति का मुकुट होती, जैसे भली स्त्री अपने पति का मुकुट होती है, ठीक उसी प्रकार जो भला मनुष्य होता है वो परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के लिए वो मन भावना होता है, वो परमेश्वर की दृष्टि में धन्य होता है।
जैसे भली स्त्री अपने पति के सिर का मुकुट होती है, वैसे भला मनुष्य, धर्मी मनुष्य जो होता है, परमेश्वर उसके चाल चलन, उसके स्वभाव से खुश होता है और परमेश्वर के लायक होता है। जैसे जैसे भली स्त्री को पति क्या करता है, उसको उसको सम्मान के साथ ग्रहण करता है। लेकिन जो स्त्री लज्जा का काम करती, जो बुरी होती है, व्यभिचारिणी होती है, कहता है वह मानो उसकी हड्डियों के सड़ने का कारण होते हैं। परंतु जो लज्जा का काम करती है, जो व्यभिचार का काम करती, जो गंदे कामों में लगी रहती है, वह अपने पति के हड्डियों के सड़ने का कारण होती है, वो अपने पति के ना सोने का कारण होती है। इसलिए मेरे प्रियो, कहता जैसे एक बुरी स्त्री अपने पति के विनाश का कारण होती है, वैसे बुरा मनुष्य परमेश्वर के लिए श्राप का कारण होता है। परमेश्वर ऐसे दुष्ट जन से खुश नहीं होता, परंतु धर्मी जनों से खुश होता है। इसलिए मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के दृष्टि में धन्य और महान बनने की कोशिश करिए। जैसे लोगों से परमेश्वर प्रीति रखता है, प्रेम करता है, आप वैसे लोगों के समान बनिए, ताकि परमेश्वर का प्यार, परमेश्वर का प्रेम आपके ऊपर उतरे, आपका जीवन परमेश्वर के धन्य आशीषों से भर जाए। आमेन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए। आज सुबह की प्रार्थना आप सभी के लिए करने जा रहा हूं। इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपको पूरे दिन अपने आशीष में भर के रखे। धन्यवाद 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 करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद त्रिमहिमा करते, आदर महिमा तुझे देते। पिता प्रार्थना करता हूँ, पिता स्वर्ग से अपने लंबे हाथों को बढ़ाकर जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, हर एक के जीवन में तेरी आशीष पहुंचने पाए। हाँ मेरे प्रभु, अपने हाथों को बढ़ाकर हे परमेश्वर अपनी आशीष से हर एक के जीवन में आने दे, ताकि हर कोई आशीष से भर जाए। मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर हर एक के जीवन में तू आशीष दे, ताकि हे परमेश्वर मैं विनती करता हूँ कि इनके जीवन में ऐसी आशीष दे, ताकि हे परमेश्वर तेरे आशीष के द्वारा ये चंगे रहे। इनके द्वारा जितने भी गुनाह, जितने भी अधर्म हुए, सारे गुनाह सारे पापों को क्षमा कर प्रभु। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि इनके द्वारा जितने पाप हुआ है सारे पापों को क्षमा कर, और इन्हें बिल्कुल हे परमेश्वर अपने आशीषों में ढाप। हम प्रभु तुझे धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए कि आपने पूरी रात इन्हें संभाल कर रखा, सुरक्षित और भला चंगा रखा। वो परमेश्वर हम विनती करते हैं कि आज दिन की नई शुरुआत के लिए प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर इन्हें अपने आशीषों से ढाप ले, ताकि इनके द्वारा कोई पाप कोई गुनाह का काम न होने पाए। हर पाप हर गुनाह से इन्हें बचा कर रख। हाँ मेरे महान प्रभु, हम विनती करते हैं हर एक पाप हर एक गुनाहों से इन्हें बचा कर रख मेरे प्रभु, ताकि हे परमेश्वर गुनाह के मार्ग पर न चले। इनके हे परमेश्वर इनके शरीर को अपने आशीषों से ढाप, ताकि इनके जीवन में कोई दुख तकलीफ समस्या विपत्ति बीमारी कलेश उपद्रव कोई दुर्घटना न होने पाए। हर प्रकार की बला हर प्रकार की दुर्घटनाओं से इन्हें बचा कर रख। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, हर बला हर दुर्घटनाओं से इन्हें बचा और आशीष दे कि हे परमेश्वर ये जहां भी रहे सुख शांति और चंगाई से भरे रहे। मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते हैं जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं, इनमें से जितने बीमार हैं प्रभु उनके शरीर की बीमारियां चली जाए। ओ परमेश्वर जिसके सर में दर्द हो सर का दर्द, बदन में दर्द हो बदन का दर्द निकल जाए, हड्डी हड्डी का दर्द मांसपेशियों का दर्द निकल जाए, नसों का दर्द निकल जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ कि आंखों में बीमारी आंखों की बीमारी चली जाए, इनके कान में बीमारी हो कान की बीमारी चली जाए, इनके आंखों में नई दृष्टि आने पर वो परमेश्वर घबराहट बेचैनियां इनके शरीर से निकल जाए, झटके आना हे परमेश्वर नष्ट होने पर इनके शरीर से मिर्गी की बीमारी निकल जाए प्रभु, दांत का दर्द दांत की पैरियां नष्ट हो जाए, गले में गिल्टियां निकल जाए। वो परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं इनके सीने की गठाने नष्ट हो जाए, सीने में दर्द हो और जलन हो तो निकल जाए, सीने का दर्द सीने का जलन नष्ट हो जाए प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूँ, सीने का दर्द और जलन निकल जाए, पेट में दर्द पेट का जलन निकल जाए। ओ परमेश्वर कमर में दर्द हो कमर का दर्द निकल जाए, रीढ़ की हड्डियों में दर्द हो निकल जाए प्रभु यीशु के नाम से, घुटने का दर्द निकल जाए प्रभु यीशु के नाम से, हर एक जोड़ों जोड़ों का दर्द निकल जाए, गठिया भाप की बीमारी साटिका की बीमारी निकल जाए। ओ परमेश्वर इनकी हड्डी हड्डी के तकलीफों को निकल बाहर निकाल, इनके मांसपेशियों की तकलीफें निकल जाए, नसों का प्रॉब्लम दूर हो जाए, इनके जीवन में जितने भी दुख तकलीफ है वो बिल्कुल नष्ट हो जाए, हर दुष्ट आत्मा इनके शरीर से निकल जाए। ओ महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर इनके शरीर के अंदर
हे परमेश्वर जितनी भी तकलीफें बिल्कुल बाहर निकले, ब्लड प्रेशर शुगर की बीमारी निकल जाए, दमा एचआईवी टीबी कैंसर नष्ट हो जाए, जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता बनने लगे लग, हे परमेश्वर इनके शरीर के अंदर से, हे परमेश्वर जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता बनने लगे, जिसका लीवर खराब हो चंगा हो जाए, किडनी खराब हो चंगी हो जाए, गैस की बीमारी निकल जाए वो परमेश्वर, गैस की बीमारी निकल जाए, सूजन नष्ट हो जाए वो परमेश्वर, इनके शरीर से अपेंडिक्स हार्निया फाइलेरिया थायराइड की बीमारी निकल जाए, लकवे का बीमार चंगा हो जाए, जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे वो परमेश्वर प्रार्थना करते ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बाबा सिर की बीमारी निकल जाए, पथरी हो तो नष्ट हो जाए, जुकाम खांसी बुखार निकल जाए, टाइफाइड मलेरिया नष्ट हो जाए, उल्टी दस्त की बीमारी पेच पन्ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार के चर्म रोग निकल जाए, खाज पीलिया नष्ट, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफेद दाग नष्ट हो जाए, पीलियोफीलिया की बीमारी लहू पानी की बीमारी निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं लहू पानी की बीमारी निकल जाए। जिसके पास संतान न हो परम पिता परमेश्वर ने संतान दे, जिसके गर्भ में संतान की उत्पत्ति नहीं होती प्रभु यीशु के नाम से गर्भ फलवंत हो जाए और उनके गर्भ में संतान की उत्पत्ति होने पर वो महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता हे परमेश्वर इनके शरीर पे तू अपनी आशीष दे, हे परमेश्वर इनमें से जितने दुष्ट आत्मा से ग्रसित है उनके शरीर की दुष्ट आत्मा निकल जाए, दुष्ट आत्मा शरीर से निकल जाए, वो महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता जितने पढ़ाई लिखाई करते हैं उनकी पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में आशीष दे, ताकि पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन के हर लक्ष्य को पूरा करे, जीवन में सदैव तेरे मार्ग पे चलते रहे, महान परमेश्वर प्रार्थना करते हैं। ये परमेश्वर के रोजी रोजगार काम धाम बिजनेस व्यापार पे आशीष दे, बढ़ोतरी बरकत हो, जिसके पास रोजगार नहीं रोजगार मिले, नौकरी नहीं नौकरी मिले, जो गरीबी के श्राप में छुटकारा पाए, कर्ज में डूबा है कर्ज आधा हो जाए, जिसके पास घर नहीं घर हो जाए, चलने का साधन नहीं चलने का साधन होने पाए, वो परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता हे परमेश्वर इनके जीवन में अपनी महिमा प्रकट होने दे, ताकि तेरे महिमा के द्वारा हे परमेश्वर हरेक का जीवन तेरे आशीष में फलवंत होने पाए, वो परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता। जितने लोग प्रार्थना सुन रहे हैं हे परमेश्वर, जितने जितने अपनी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं प्रभु, उनको हे परमेश्वर की मदद की सहायता कर, ताकि उनके 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 बुद्धि और ज्ञान की बढ़ोतरी हो, हाँ मेरे प्रभु एग्जाम में जो भी प्रश्न आने वाला हो हर एक का आंसर इनके अंदर भर दे मेरे प्रभु, ताकि एग्जाम के वक्त हे परमेश्वर तेरे स्वर्गदूत जाकर इनकी मदद करे और एग्जाम में अच्छे अंकों से पास होने पाए, हाँ मेरे महान परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ, जितने नौकरी के तलाश में उनकी नौकरी नौकरी के तलाश में है परमेश्वर, उनकी नौकरी जो खतरे में है परमेश्वर, हम विनती करते हैं उन्हें नौकरी ले पाए, वो महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, जिनके पास रोजगार नहीं रोजगार दे, नौकरी नहीं नौकरी दे, वो परमेश्वर जो गरीबी के श्राप में छुटकारा दे, जो कर्ज में है कर्ज अदा हो जाए, हाँ मेरे प्रभु इनके जीवन की हर इच्छा मनोकामनाएं पूरी होने पाए, वो महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते जितनी सेवा करने वाले लोग हैं उनके सेवकाई के क्षेत्र में आशीष दे, ताकि सेवकाई दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए जाए, हाँ मेरे प्रभु पवित्र आत्मा का अभिषेक इनके अंदर बढ़ने पाए, वो परमेश्वर प्रार्थना करते पिता अपने स्वर्ग का द्वार खोल, स्वर्गीय आत्मा हरे के ऊपर आने दे, ओ पवित्र आत्मा हरे को सुले महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता स्वर्गीय आशीषों से ढाप ले मेरे प्रभु, ताकि सबके सब स्वर्गीय आशीषों में पले बड़े और चंगे रहे, ओ महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता जितने लोग प्रार्थना कर सुन रहे इनके जीवन में कोई जमीनी विवाद हो खत्म होने पाए, घरेलू विवाद हो खत्म हो जाए, पारिवारिक विवाद खत्म हो जाए, पति पत्नी के बीच में विवाद हो खत्म हो जाए, हर एक के बीच में हे परमेश्वर प्रेम की आशीष आने दे, हर कोई एकमत होकर मिलजुल कर प्रेम का जीवन जीने पाए, हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता जितने उदास है अपने जीवन में निराश है उनकी निराशा खत्म हो जाए, उदासी खत्म हो जाए, स्वर्ग खुले और स्वर्गीय आशीष हरे के ऊपर आने पाए, ओ महान परमेश्वर तेरा साथ हरे के साथ हो, तेरा हाथ हरे के सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर मेरे प्रभु, हम यीशु के नाम में मांगते हैं आमेन, परमेश्वर हरे को आशीष दे, गॉड ब्लेस यू, धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।